मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में किन्नर के घर हुई करोड़ों की चोरी के मामले का पुलिस ने आज विधिवत खुलासा कर दिया। थाना गोविंद नगर पुलिस द्वारा किए गए इस खुलासे की जानकारी पुलिस लाइन के सभागार में एसपी सिटी द्वारा दी गई। गोविंद नगर पुलिस को थाना गोविंद नगर पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। 20/5/2019 को किन्नर के घर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। उसी के साथी ने चोरी किया था, उसी के चेले ने चोरी किया था, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है और उससे 11,18,000 रुपये नकद और लगभग 34 लाख रुपये का सोना चांदी जो चोरी करके ले गया था वो बरामद हुआ है। इनको जेल भेजा जा रहा है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित पहले कह रहा था कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, सर क्या बात है? नहीं, उसी दिन जिस दिन इनके साथ घटना हुई थी उसी दिन जो है मुकदमा दर्ज किया गया था और आप रिजल्ट देख रहे हैं, तत्काल गिरफ्तारी भी की गई है कुछ ही समय में और बरामदगी की गई है। क्या पूरा माल बरामद कर लिया गया सर? इसके पास जो भी माल था जितना ही ले गया था उतना सारा का सारा माल बरामद हुआ है, कहीं न बेच पाया है न खर्च कर पाया है। मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में किन्नर के घर हुई करोड़ों की चोरी के मामले का पुलिस ने आज विधिवत खुलासा कर दिया। थाना गोविंद नगर पुलिस द्वारा किए गए इस खुलासे की जानकारी पुलिस लाइन के सभागार में एसपी सिटी द्वारा दी गई। गोविंद नगर पुलिस को थाना गोविंद नगर पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। 20/5/2019 को किन्नर के घर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। उसी के साथी ने चोरी किया था, उसी के चेले ने चोरी किया था, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है और उससे 11,18,000 रुपये नकद और लगभग 34 लाख रुपये का सोना चांदी जो चोरी करके ले गया था वो बरामद हुआ है। इनको जेल भेजा जा रहा है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर पीड़ित पहले कह रहा था कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, सर क्या बात है? नहीं, उसी दिन जिस दिन इनके साथ घटना हुई थी उसी दिन जो है मुकदमा दर्ज किया गया था और आप रिजल्ट देख रहे हैं, तत्काल गिरफ्तारी भी की गई है कुछ ही समय में और बरामदगी की गई है। क्या पूरा माल बरामद कर लिया गया सर? इसके पास जो भी माल था जितना ही ले गया था उतना सारा का सारा माल बरामद हुआ है, कहीं न बेच पाया है न खर्च कर पाया है।